उत्तराखंड की बीजेपी सरकार 100 दिन पूरे होने पर जहां अपनी उपलब्धियां गिना रही है, वहीं रुद्रपुर के शिवनगर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पर विरोध प्रदर्शन किया और ट्रांजिट कैंप की मेन सड़क के खराब होने और जलभराव के चलते सड़क पर धान लगाकर बीजेपी सरकार का विरोध किया। वहीं ट्रांजिट कैंप शिवनगर के पार्षद मोहन कुमार ने बताया कि रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप के मुख्य मार्ग पर आकर सरकार की उपलब्धियां देखी जा सकती हैं। ट्रांजिट कैंप की सड़क पर आए दिन सड़क हादसे होते हैं, जिससे आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और सरकार 100 दिन का जश्न मनाने में मस्त है। धान लगा के विरोध किया, दिखाया है हमने कि इस रोड में धान लगाने से कितना फायदा है। रोड चलने वाली जगह है, वहाँ खेती वाली जगह बनी पड़ी है। जहाँ चलने की रोड बढ़िया होनी चाहिए, वहाँ खेती वाली जगह हुई है, पानी भरा, कीचड़ हो रहा है, या इसी वजह से हमने विरोध किया, धान लगा के विरोध किया।